मैं तो उसके घर जाके हैरान ही रह गई। मतलब कि हर चीज़ इतनी ज़्यादा फ्राइड थी, तेल में लुथड़ी हुई, मुझसे तो कुछ खाया नहीं जा रहा था। ये बातें उसको पता ही नहीं है। ज़रीना, मैं तुम्हें कॉल बैक करूं? ओके। क्या बात है ज़रीना? अरे भाई क्यों इतना चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? अरे बिल देखा है तुमने? 1.5 लाख रुपए का इस महीने का बिल आया है। क्या हो रहा है इस घर में? भाई अगर सारा दिन तुम और तुम्हारी बेटी एसी चलाओगे तो फिर इतना बिल तो आएगा ना। और ये दो दो एसी जो इतनी जगह पे चल रही हैं, फालतू बत्तियां सारी जल रही हैं, ये किसका शौक है? देखो तुम्हें पता है मुझे अंधेरा घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे रोशन घर चाहिए जगमगाता हुआ। इस वजह से मुझे सारी लाइटें जलानी है। पूरे एरिया में हमसे ज्यादा रोशन घर किसी का नहीं है। खुदा का खौफ करो ज़रीना, तुम्हें पता है कि मेरा बिजनेस अब वैसा नहीं रहा। अरे बिल इसी तरह आते रहे तो कहां से अदा करेंगे? भाई मेरे साथ ये बहस करने के बजाय बेहतर है वही करो जो मोइन भाई करते हैं। क्या कुंडा लगाकर चोरी की बिजली पर सारा घर चलाऊं मैं? और क्या, कुंडा डालो, सभी डालते हैं, सारा घर जगमगाता रहेगा, एसी भी चलेगा। अच्छा वो खाना लगवाओ, मैं सोचता हूँ कुछ। खाना नहीं बना, आज मेड नहीं आई थी, तुम कुछ ऑर्डर कर दो। अरे घर पे मेड नहीं आएगी तो क्या खाना भी नहीं बनेगा? साहिर, अरे भाई जवान बेटी बैठी हुई है घर में, कुछ सलीका सिखाओ उसे। कल को अपने घर जाएगी तो वहाँ पर क्या करेगी वो? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, आजकल की लड़कियाँ कोई घर भर के काम नहीं करती। और देखना उसके लिए मैं ऐसा लड़का ढूंढूंगी कि सारी जिंदगी ऐश करेगी, ऐश। ऐश करेगी? अरे सिखाना कुछ नहीं बेटी को है? अच्छा वैसे मैंने तो मॉम को कह दिया कि मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ आपकी पसंद की। अच्छा और ये जो हम आपके लिए यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं उसका क्या? तो फिर ठीक है, आप मेरी मॉम की पसंद बन जाए। अच्छा चलो अपनी मामा का नंबर दो, मैं बात करता हूँ उनसे। मैं भी देखता हूँ एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रिश्ता कैसे ठुकराते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन देखें उसके लिए आपको अपनी अम्मी को मेरे घर भेजना पड़ेगा मेरी मॉम से मिलने, तभी तो बात बनेगी। Agreed. By the way, ये तुम लोगों का घर हर वक्त इतना जगमगाता क्यों रहता है? दिन में भी लाइट्स चलती रहती, बिजली फ्री है क्या? ये सब मेरी मॉम का कमाल है। ऐसे ही थोड़ी, हमारा घर सोसाइटी का सबसे मशहूर घर है, और फिर मेरे डैड ये सारे बिल्स अफोर्ड कर सकते हैं। हसफन, क्या है भाई ये? या तो तुम सारा वक्त ऑफिस में बिजी रहते हो और अगर घर आ जाते हो तो बस मोबाइल में लगे रहते हो। मुझे लगता है तुम्हारी शादी के लिए कोई लड़की ढूंढनी पड़ेगी मुझे। क्या बात है अम्मी, ये अचानक मेरी शादी का ख्याल कहाँ से आ गया आपको? भाई इसमें अचानक की क्या बात है, आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी तो करनी है ना, लड़की भी ढूंढ लेंगे। ये बात तो ठीक है, वैसे अभी इतना टाइम थोड़ी हुआ है, आप लड़की देखना शुरू कर दें। करती हूँ, मैं सोच रही थी हम इस मोहल्ले में शिफ्ट तो हो गए, देखो ना इस मोहल्ले के कितने अजीब लोग हैं, कोई मेल जोल ही नहीं रखता, कोई मिलने ही नहीं आता। अम्मी आजकल की जो लाइफ है ना वो इतनी फास्ट हो गई है कि लोग अपने घर वालों से हफ्ता भर नहीं मिलते, आप मोहल्ले वालों की बातें कर रहे हैं। हाँ कह तो ठीक रहे हो वैसे तुम। वैसे आप खुद क्यों नहीं मिल लेती हैं इन लोगों से? मैं खुद? हाँ इनफैक्ट आप ये जो हमारे सामने वाला घर है वो जिसमें हर वक्त लाइट्स जलती रहती हैं वहीं से शुरुआत कर लें, मैंने सुना है उनका इंटीरियर बहुत जबरदस्त है। अरे उन घर के मकीनों से तो अल्लाह बचाए,
रात तो रात, दिन में भी उनकी गैलरी, टेरेस, हर तरफ लाइटें जली हुई होती है और किसी को कोई परवाह नहीं होती कितनी बिजली जाया हो रही है। हमें उनका पैसा है, वो जैसे चाहे इस्तेमाल करें, हमें क्या फर्क पड़ता है। बेटा इन्हीं शाह खर्चियों की वजह से आज हमारा मुल्क कर्जों की जद में है। अगर अल्लाह ताला ने किसी को साहिब हैसियत बनाया है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि इस तरह इसराफ किया जाए। आप जाके मिल तो लें, हो सकता है वो लोग आपको पसंद आ जाए। हाँ ठीक है, तुम कहते हो तो मिल लूंगी, फिलहाल तो चलो ना खाना खाने। तुम्हें खाने के लिए कहने की आंटी खुद ही बैठ गया। चले 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 चले, आओ भाई चलो। बस क्या बताऊं, जिंदगी इतनी मसरूफ हो गई है कि बिल्कुल वक्त ही नहीं मिलता। एक महीना हो गया आप लोगों को इस एरिया में शिफ्ट किया और मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आप खुद हमें मिलने के लिए आ गई। जी शुक्रिया, मुझे आदत है सबसे मिलते जुलते रहने की। इससे पहले कौन से एरिया में रहती थी आप? अब हम शिजा सोसाइटी। शिजा सोसाइटी, अच्छा 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 अच्छा, वहाँ तो शायद 120 और 200 गज के घर है ना सिर्फ। अच्छा बड़ा ग्रो किया आपने, बहुत अच्छा लगा। यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड जरा हाई है, मेंटेन कर लेंगी? हाँ हाँ माशाल्लाह, मेरा बेटा इंजीनियर है, बहुत अच्छे ओहदे पे फाइज है, अल्लाह का दिया सभी कुछ है। अच्छा 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 अच्छा, इंजीनियर है आपका बेटा? मेरा देवर भी इंजीनियर है। वो मुल्क से बाहर रहता है, 25 लाख तनख्वाह है उसकी। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, और आपके हस्बैंड? उनका वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है। आप ये लेना, ये देखें ये। अरे माशाल्लाह आपके रिंग्स बहुत खूबसूरत हैं, चम चम चमक रहे हैं। हाँ ये देखिए ना जरा जरा और से लाइट में देखें, ये डायमंड्स हैं असली, देखिए कैसे चमक रहे हैं। ये मेरी नन ने मुझे तोहफा दिया था पिछले साल। हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा है। वैसे आपने बिला वजह ही तकल्लुफ किया। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको गर्मी तो नहीं लग रही ना? नहीं नहीं, बल्कि मुझे तो ना ठंड लग रही है, लग रहा है आपने सारे एसी चला रखे हैं। हाँ तो अब चलाने वाली चीज है तो चलेंगे ही ना, मुझे तो बहुत गर्मी लगती है। मेरे बेडरूम में लेटेस्ट मॉडल का एसी है, फुल पे रखती हूँ मैं, और मेरी बेटी वो तो 24 घंटे एसी चलाती है, बंद ही नहीं करती, इतनी नाजुक मिजाज है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती उसे। अच्छा फिर तो बिजली का बिल भी बहुत आता होगा। आता है तो आए, बिल की परवाह किसे है, बिल का क्या है, बिल ने तो आना ही है। मेहमानों को दिखाने के लिए थोड़ी लगाई है ये चीजें, अब हैं तो फिर तो चलाएंगे भी, और बिल बिल की मैं परवाह नहीं करती, आए भले जितना मर्जी आए। दिमाग की दही कर दी मेरी इस औरत, इतना बोल रही थी इतना बोल रही थी। क्या हुआ मम्मी? होना क्या है, ये पड़ोसियों के घर में चली गई, गलती हो गई जो मैं खबरगीरी करने चली गई, उन्होंने तो दिमाग खराब कर दिया। कहाँ? जो सामने वाले नहीं है इनके घर गई थी, बस हालचाल पूछने की पड़ोसी है, लेकिन गलती हो गई। क्यों, ऐसा क्या हुआ? होना क्या है बेटा, इतनी नमूदो नुमाइश कि खुदा की पना। Hey, मैंने कहा पड़ोसी है हालचाल पूछ लूं, सरीना बेगम तो पूरा खबरनामा लेके बैठ गई, घर की क्रॉकरी से लेके हर चीज की कीमत गिनवा दी उन्होंने, इतने मुल्कों के नाम, और बिजली का इतना ज़िया है भाई, तौबा है। छोड़े ना मी, कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे ही ज्यादा बोलने की, हमें क्या लेना उनसे। और उस पे पता है उनकी बेटी का नखरा, मैं तुम्हें क्या बताऊं भाई। अच्छा? हाँ भाई, कपड़े ब्रांडेड, हर चीज ब्रांड ब्रांड करती है, और माँ ने इतना सर पे चढ़ाया हुआ है कि अपना रिश्ता तक उसने खुद ढूंढा है। तौबा तौबा, कैसे लोग हैं भाई, हर चीज में दिखावा, हर चीज में शोबाजी। अच्छा छोड़े ना, अरे जरा खाना बना लूं, देर हो जाएगी, तुम्हें खाना भी देना है। मैंने
बस भाई इतनी गर्मी है, घर से निकलने को दिल ही नहीं करता। हाँ बस बंदा बैठा रहे अपने ठंडे कमरे में। ये तो है, हाँ अय्याशी तो है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, होल्ड करना जरा समीरा। देखा मेरी बात मानी है तो कितने खुश है, वरना अभी तुम ये देख कर ना बिजली का बिल बिल बिला रहे होते। हाँ ये तो है, पर हमेशा तुम्हारी मशवरों पर काम किया है। फायदा भी तो हुआ ना। एक मिनट। हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं, मियाँ साहब थे। ये सब कुछ कहने के लिए यहाँ बुलाया मुझे? देखो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि पहली मुलाकात में कोई इस तरह की बातें थोड़ी करता। तो तुम बता दो तुम्हारी अम्मी से किस तरह बात करनी चाहिए अश्वन? देखो हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, तो फिर हम कंजूसी क्यों करें? हाँ लेकिन इतना दिखावा तो अल्लाह मियां को भी नहीं पसंद। अच्छा तो तुम्हें मेरी अम्मी की बातें दिखावा लगती हैं? Come on यार, हर चीज की प्राइस गिनवाना दिखावा नहीं तो और बात से बात निकली होगी इसलिए ये बात की होगी। और अभी तो हमारी शादी की बात हमारे घर वालों तक नहीं पहुंची और तुम मुझसे ये सब कुछ कह रहे हो? देखो निम्रा, just try and understand. मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास एक अच्छी जॉब है, that is why I afford to live है। लेकिन कल को तुम्हारी अम्मी ने अगर कोई अजीबो गरीब डिमांड कर दी तो You know what? I get you now. तुम्हें अब मुझसे जान छुड़ानी है ना? What? मैं ऐसा तो नहीं कहा यार। हाँ लेकिन तुम्हारी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। देखो अश्वन, अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसे छुपा कर नहीं रखते। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मेरी अम्मी की बातें शो ऑफ लगती हैं और लगता है कि ये सब कुछ दिखावा है, तो इस मुलाकात को तुम हमारी आखिरी मुलाकात समझना। What? निम्रा क्या? निम्रा listen to me यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, उस दिन के बाद आप आई नहीं? बस घर की इतनी मसरूफियत थी कि मैं आ ही नहीं सकी। क्या खरीद रही हैं? थोड़ा सा सोचा फ्रूट खरीद लूं। हम लोग तो सारी शॉपिंग मार्ट से करते हैं, ठेले वालों के पास जरा इतना अच्छा फल नहीं होता ना। क्यों, अलग अलग खेतों से आता है क्या? अरे अपनी अपनी सोच है बस। अच्छा आए ना, आए मेरे साथ, मैं आपको इटालियन सॉस में बनी हुई मिक्स वेजिटेबल खिलाती हूँ। और एयर फ्रायर भी लिया है मैंने, नया चिकन को एयर फ्राई किया। आए आए लंच कर। अरे नहीं नहीं, अब अश्वन के लिए खाना बनाना देर हो जाएगी। खाना आप खुद बनाती हैं? जी। मेड नहीं है आपके यहाँ? नहीं, मैं चलती हूँ। मेड नहीं है तो जवाब दिए बगैर ही भाग गई। चल गई होगी एयर फ्रायर का सुन के। कैसे लोग हैं आजकल, इतना दिखावा, हर बात में नुमाइश, कोई समझ है ना। अम्मी क्या हुआ, अकेले में क्या बातें कर रही हैं आप? अरे भाई क्या बातें करनी है, वो मिल गई थी मुझे जरीना, मुझे बिजली खर्च करने की बहुत शौकीन है ना, अपने नए एयर फ्रायर का बता रही थी, अगर ना बताती तो उनका खाना कैसे हजम होता। छोड़े ना, आप इग्नोर किया करें उनकी बातों को। अरे अल्लाह ताला को अपनी दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बंदा पसंद, दिखावा करने वाला नहीं। और जरीना सिर्फ और सिर्फ दिखावा करती है और कुछ नहीं। हो सकता है दिखावा ना करती हूँ, आदतन भी कुछ लोग बोल देते हैं। अच्छा बस रहने दो, मैं सब जानती हूँ, वो कोई आदत वादत नहीं है, सरासर दिखावा है, जानती हूँ मैं। अल्लाह माफ करे ऐसे लोगों से, दुनिया भरी पड़ी है और हमारे ही पड़ोस में। तौबा।
मुझे तो लगा उस दिन के बाद ना तुम कॉल करोगी और ना ही मुलाकात करोगी। सोचा तो मैंने भी ऐसा ही था, लेकिन फिर कुछ दिनों में इस बात का अंदाजा हुआ कि मैं तुम्हारे बगैर, खैर छोड़ो, कुछ और कहने की जरूरत नहीं, जो तुम कहना चाह रही हो वो मैं समझ गया। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा असफन? हम दोनों कब तक इसी तरह छुप छुप कर बातें करते रहेंगे? देखो, इस रिश्ते को किसी अंजाम तक तो पहुंचाना होगा ना। आई नो, बट मैं क्या करूं? जब भी अम्मी से हमारे रिश्ते की बात करने का ट्राई करता हूं, वो तुम्हारी अम्मी की शेखियों के किस्से लेकर बैठ जाती हैं। यार देखो, मैं अब कुछ नहीं जानती। अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो ना असफन, तो तुम्हें अपने पेरेंट्स को मेरे घर लेकर आना होगा, और वो भी इसी हफ्ते। हेलो, आओ। अम्मी, कुछ कहना चाहते हो? जी, एक बात करनी है आपसे, लेकिन आप प्रॉमिस करें कि आप तहम्मुल से मेरी बात सुनेंगे। कहो। आप मेरी शादी के लिए लड़कियां ढूंढ रही हैं, तो मैं आपकी मुश्किल आसान कर देता हूं। मैं किसी को पसंद करता हूं। कौन है वो? उसका नाम निम्रा है। हमारे सामने वाले घर में जो वाजिद अंकल रहते हैं, उनकी बेटी। ये तुम्हें पूरी दुनिया छोड़ के सिर्फ एक वही घर मिला था? मेरा मतलब है, तुम जरीना की बेटी से शादी करोगे? क्या कह रहे हो ये तुम? अम्मी, वो बिल्कुल अपनी इमा जैसी नहीं है, बहुत सुलझी हुई लड़की है, ट्रस्ट मी। अच्छा, देख रही हूँ मैं, ये जो उस लड़की के पढ़ाए हुए सबक तुम मुझे सुना रहे हो ना, सब समझ रही हूँ। खैर, ये बताओ कि कब से चल रहा है सब? ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं, इसीलिए आपके पास आया हूँ। असफन बेटा, जिस लड़की की माँ इतनी नमूदो नुमाइश की आदी हो, इतनी घमंडी हो, उसे अपनी बेटी की तबीयत भला कैसी की होगी? हाँ, देखो, तुम्हें निम्रा से बहुत बेहतर लड़की मिल सकती है, बस तुम इस जिद को छोड़ दो मेरी मान। लेकिन मैं शादी सिर्फ निम्रा से करना चाहता हूँ, किसी और से नहीं। और जहां तक उसकी माँ की बात है, उसको आप छोड़ दें, निम्रा बिल्कुल वैसी नहीं है। आप उससे मिलेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा वो कैसी है। अम्मी, हम उनके घर चलें कल? आप पूरी फैमिली से मिल लीजिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। प्लीज प्लीज अम्मी, मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। थैंक यू, मैं उसको बताता हूँ। थैंक यू। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। देखिए ना, बच्चे अचानक बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े के अपने फैसले खुद ही करने लग जाते हैं। वो कहते हैं ना, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। बस बच्चों की जो मर्जी, उनके आगे कौन बोल सकता है अब आजकल के जमाने में। और सच्ची बात तो ये है, मैं खुद भी मर्जी की शादी की ही कायल हूँ। जी जी। बहन, आप आई हुई हैं यहाँ, तो मैं सोच रहा था कि सारे मामलात भी आज तय कर लेते हैं। तो इसीलिए तो बैठे हैं, यही करना है ना। बताइए, फिर तकरीबात का क्या सोचा आपने? मतलब ढोलकी, मेहंदी, क्या करेंगे?
ढोलकी मेहंदी मतलब? मतलब मेरी इकलौती बेटी की शादी है तो तकरीबात तो हम मनाएंगे ना, सेलिब्रेट तो करेंगे। ढोलकियां होंगी, संगीत होगा, रज जगह होंगे। मैं तो अपने दिल के सारे अरमान निकालूंगी अपनी बेटी के लिए। आप जी, मेरा हस्बैंड भी अकलौता है। हाँ जी जी, जाहिर। मेरे शौहर बहुत साथी पसंद थे और ये मेहंदी माइयों, ये रज जगह, ये सब तो पैसे और वक्त का इसराफ है। तो इसराफ तो अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है। मेरा ख्याल है कि सिर्फ शादी और वलीमा ऐसी तकरीब है जो बहुत सादगी और वकार से हो जाए बस। भाई साहब आप क्या कहते हैं, मैं ठीक कह रही हूँ? हाँ, आपकी बात जो है वो दिल को लगती है। नहीं बाजे, मुझे अपनी बेटी की शादी पे अपने सारे अरमान पूरे करने हैं। मैं शादी की तकरीब किसी 5-स्टार होटल में करूंगी और प्लीज आप लोग भी वलीमे बिना कंजूसी मत कीजिएगा। जरीना? क्या जरीना, मेरी इज्जत का सवाल है। मेरी फैमिली ने आना है, मेरे दोस्तों ने आना है। मैं यूं सादगी के नाम पर अपनी नाक तो नहीं कटवा सकती ना। और प्लीज देखें, आपको अपना घर भी थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए। कोई फर्नीचर वगैरह बेहतर और नया डलवाएं और किचन में सारे गैजेट्स जो हैं वो पूरे होने चाहिए। मैं जहेज के खिलाफ हूँ वरना मैं ट्रक भर के देती अपनी बेटी को जहेज। आप देख लें आपने क्या करना है। सुन बेटा, मैं तो कहती हूँ एक बार सोच लो। फिर मैं क्या बात कर रहे हैं, हम अभी उनके घर से सब चीजें तय करके आए हैं तो फिर? वो तो सब मैं देख लूंगी, लेकिन तुम्हें इस तरह जरीना के हाथों खिलौना बनता नहीं देख सकते। आप फिर वही बात लेकर बैठ गई। निम्रा की माँ का मिजाज कैसा है कैसा नहीं, इससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मेरी शादी तो निम्रा से हो रही है ना, उसको जानती हैं आप, उससे मिली हुई हैं। वो एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन हम सफेद पोश मिडिल क्लास लोग हैं और ये जो हाई सोसाइटी के चोचले हैं ना, ये मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। उनकी डिमांड देखी है तुमने, कितनी ऊंची है। वो तो हमारे घर का इंटीरियर फर्नीचर सब कुछ चेंज करवाना चाहते हैं। उनके घर की पहली शादी, उनके कुछ अरमान हैं उन्हें पूरे कर लेने दें। और फिर वलीमा तो हमारे हाथ में है ना, वलीमा बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप चाहेंगे। ठीक है, अब आप मंगनी की तैयारियां करें, बाकी चीजें मुझ पे छोड़ दो। ओके मेरी नंद की जब बात पकी हुई थी ना, तो उसकी ससुराल वालों ने तो घर को फूलों से और फलों के टोकरों से भर दिया था, है ना वाजिद? मिठाई के तो तकरीबन 100 टोकरे थे जिसमें 10-10 किलो मिठाई थी। आप लोगों ने घर क्यों नहीं सजाया? कोई लाइटें वाइटें तो लगाते हैं आप अपने घर में, बिल्कुल ही सादा। हाँ वो ये भी कर लेंगी बहन, खुशी का मौका है तो क्यों ना शादी की तारीख भी तय कर ली जाए। हाँ कर ले, पर बहुत जल्दी की तारीख नहीं रखिएगा। क्यों? इसके लिए फर्नीचर का ऑर्डर दिया है ना, प्योर शीशम की लकड़ी का बेड सेट है, इतना महंगा। उसका तो जो ड्रेसिंग टेबल है वो ही कोई 8। बस बस बस, ठीक है। देखें, वो माँ बाप जो हैं बेटियों को कुछ ना कुछ तो देते ही है ना, तो हमने एक बेडरूम सेट बनवा दिया। मगर आप तो कह रही थी कि आपको ये जहेज वगैरह की रस्म बिल्कुल पसंद नहीं है। आप ठीक कह रही हैं बहन, लेकिन बेटी की फरमाइश थी कि उसे अपनी पसंद का बेडरूम सेट चाहिए, तो इसलिए हमने ऑर्डर करवा दिया।
तकलीफ के लिए माजरत। ये क्या बदतमीजी है, कौन है आप लोग, क्यों घर में घुसे चले आ रहे हैं, देख नहीं रहे यहाँ तकरीब हो रही है? और मेरा नाम असगर अली है, मेरा ताल्लुक बिजली के महकमे से। मेरे महकमे ने इस घर को काफी दिनों से अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ था क्योंकि हमें शक था कि यहाँ से बिजली चोरी हो रही है। अब सिर्फ शक की बुनियाद पे तो आप इस तरह घर में नहीं घुस सकते ना, कोई सबूत है आपके पास? मोहतरमा अब वो शक जो है यकीन में बदल चुका है क्योंकि वो कुंडा हम उतार के ले आए हैं जो आप लोगों ने बालकनी से मेन वायरिंग में लगाया हुआ था। बगैर प्रूफ के तो हम कोई कार्रवाई करते ही नहीं। अच्छा मेरी बात सुने, हम मामले को ना यही निपटा लेते हैं, बात खत्म करते हैं। वो मेरा बैग का है, कौन है मेरा बैग? ऐसा किसी सूरत में मुमकिन नहीं है क्योंकि FIR कट चुकी है, फर्दे जुर्म होना बाकी है। जिस दिन से बिजली आप लोगों ने चोरी की है उस दिन से लेकर आज तक सारी अदायगी करनी पड़ेगी, वो भी जुर्माने के साथ। हमारे हिसाब से कोई 10 लाख तो बनते ही है। मुझे तो ये भी इन लोगों का सहूलत का लगता है, इसे भी थाने ले चलते हैं। हरगिज नहीं, हम इनके कुछ भी नहीं लगते, हम सिर्फ यहाँ मेहमान हैं। और कम से कम इस वाके के बाद तो हम बिल्कुल भी इन्हें नहीं जानते। चलो बाबा जी, आप तो चलो थाने। आप मेरे शौहर को इस तरह नहीं ले जा सकते, मेरा देवर जो है ना उसकी बहुत जान पहचान है, मैं करती हूँ उसको फोन। मोहतरमा आप कानूनी कार्रवाई में मुदाखलत कर रही हैं, ये जुर्म है और इस जुर्म के अर्तकाब में मजबूरन हमें आपको भी पुलिस स्टेशन लेके जाना पड़ेगा। देखा, तुम्हारी झूठी शान के चक्कर में मैं किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। ने आज को रोशन करते करते अपनी बेटी के मुस्तकबिल को तारीख कर दिया। और किस लिए? पिछली चोरी करने के चक्कर में? बाबा जी ये सब बातें चोरी करने से पहले सोची चाहिए थे। चलो थाने। अरे बाबा जी ये कहाँ लेकर जा रहे हैं, यहीं कर लेते हैं ना बात। असवंत चलो भाई चलो, तो कोई बात चलो कम से कम अब तो तुम्हारी आंखें खुल जानी चाहिए या नहीं? क्या कह रही हो नाइमा, मतलब असवंत बेटा मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है, सब लोग जानते हैं। हाँ तो जिन लोगों को आपने बता दिया था, अब आप उनको ये भी बता दें कि आपके शौहर बिजली चोरी के इल्जाम में अब जेल की हवा खाएंगे और आप सारी जिंदगी अपनी झूठी आन बान के चक्कर में अपने आप को धोखे देती रही। हमारा आपसे हरगिज कोई ताल्लुक नहीं है। कीजिए आप चरागा, लगाइए ये लाइटें चोरी की और मनाइए जश्न अकेले। दो इनकी अंगूठी वापस। बेटा क्या कर रहे हो? I'm really sorry but this can't happen. असवन प्लीज। I'm sorry, aunty. असवन। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। ये ही चाहती थी ना, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी आपको। आप लोग मेरी बात सुने, मैं अभी मेरा देवर फोन करेगा ना तो वो वापस आ जाएंगे। वाजिद आप लोग ना